हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा। और आज हम शेयर एंड बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम शेयर स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट दी बॉन्ड। शेयर में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयर फोर्स क्या होता है। तो उसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई बीम है और यहाँ पर कोई पॉइंट लोड आ रहा है डब्लू। ठीक है, जब हम इस सेक्शन को यहाँ से कट करते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता होगी, जितना पॉइंट लोड आ रहा है उसको आप रेजिस्ट करने के लिए अपोजिट कोई फोर्स चाहिए उसी इंटेंसिटी का। तो जो फोर्स यहाँ पे आता है ना वो शेयर फोर्स होता है हमारा। उसकी इंटेंसिटी मैंने अभी कही इक्वल होनी चाहिए, मतलब हाफ इसकी लगा देते हैं हम डब्लू बाई टू और हाफ इसकी। तो ये कितना हो गया, डब्लू हो गया टोटल। तो ये हमारा क्या है, ये शेयर फोर्स ही तो है। तो हम लिख सकते हैं शेयर फोर्स इक्वल टू डब्लू अपॉन बाई टू। और आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से, शेयर स्ट्रेस इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स हमारा क्या है यहाँ पर, डब्लू बाई टू और ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए ये बी है हमारा और ये डी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इंटू में डी। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस आ गया। तो इस शेयर स्ट्रेस को हम कह सकते हैं जो शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, जितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। और वी कैन से ऑल्सो इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब एक्ट कर रहे होते हैं बॉडी पे, जिनका लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट होता है तो शेयर फोर्स होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल टर्म था, इसको रब करती हूँ मैं। अब देखते हैं आरसीसी बीम में शेयर स्ट्रेस कितना आता है। शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी बीम आपने सोम में आई थिंक स्ट्रेस डायग्राम वगैरह पढ़ा होगा। स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे हम, बेंडिंग डायग्राम बनाते थे। तो उसमें क्या था, सिंपल अगर कोई रेक्टेंगल सेक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कंक्रीट का कोई सेक्शन है, कंक्रीट हमें पता है होमोजेनियस होता है, हम मान के चलते हैं ये होमोजेनियस होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है होमोजेनियस होना, क्योंकि ये बहुत सारे जैसे फाइन एग्रीगेट से मिलके बनता है, कॉर्स एग्रीगेट से, सीमेंट से, तो उसका मिक्सचर होमोजीनियस रहे पूरे सेक्शन में थ्रू आउट तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम मान के चलते हैं बट होमोजीनियस है। तो इस केस में जो हमारा स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, सेंटर में हमारा मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम फाइबर्स पे हमारा जीरो होता है। यहाँ पे हमारी टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होती है एंड यहाँ पे टाउ जीरो होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्लेन सेक्शन में कोई कंक्रीट का सेक्शन है। अब बात आती है आरसीसी में हमारा स्टील प्रोवाइड होता है, उस केस में हमारा डायग्राम कैसा बनता है। मान लीजिए ये कोई सेक्शन है, यह हमारा रेनफोर्समेंट है और दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का सेक्शन तो हमारा पूरा कॉन्क्रीट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता हमारा, ये पैराबोलिक बनता है। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है टाउ की मैक्सिमम। ठीक है, और स्टील के लिए आईएस कोड ने क्या बोला, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं हम अप टू द सेंटर लाइन ऑफ रेनफोर्समेंट इस टाइप से। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है और इससे ऊपर क्या है हमारा पैराबोलिक। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बनता है हमारा स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस का यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं कई बार, इसको रब करते हैं। अब बात आती है आरसीसी में इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस की वजह से। तो लिख सकते हैं हम इफेक्ट ड्यू टू शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, अब हम एक कोई ब्लॉक एज्यूम करके चलते हैं ए बी सी डी यहाँ पे, और उसमें क्या एक्शन हो रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए
ये कोई ब्लॉक है, ए बी सी डी, इसमें शेयर फोर्स लग रहा है ऐसे ही। अब आपको क्या पता लग रहा है, इस शेयर फोर्स की वजह से ये इस साइड खींचना चाहेगा और इस शेयर फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा, तो किस तरीके से डिफॉर्म होना चाहेगा, कुछ ऐसे। एक्चुअल हमारा ऐसे था, ये डिफॉर्म इस टाइप से होना चाहेगा, ये आप देख ही रहे हो, ये इस साइड लेके ही तो जाना चाह रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे ए बी सी डी। अब शेयर फोर्स ऐसे था हमारा, अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, अब ये चीज़ हमारी दब रही है, दब रहा किस में होता है, हमारा कॉम्प्रेशन में हमारा दबने वाला एक्शन होता है, ये भी चीज़ हमारी दब रही है, मतलब हम कह सकते हैं ये वाला जो डायगनल है इसमें हमारा कॉम्प्रेशन हो रहा है पूरा, अब देख कर ही पता लग रहा है आपको, ये हमारा दोनों की तरफ ऐसे पुश कर रहा है इसे, ठीक है। अब बात आती है सी डी में क्या हो रहा होगा, अब आप देखेंगे इसमें ये इसे खींच रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो टेंशन जनरेट हो रहा है, इधर टेंशन जनरेट हो रहा है, सिमिलरली इस वाली एज को बी को भी ये अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए पी सी डी, ए सी इज द डायगनल वेयर कंप्रेसिव फोर्स इज जनरेटेड, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है इस लेयर में। और आपको कंप्रेशन के बारे में क्या बताया था मैंने, कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, वो कंप्रेशन आराम से ले लेगा, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, कंप्रेशन ही तो आ रहा है तो वो ईजिली हैंडल कर लेगा। अब बात आती है जब बी डी में हमारा टेंशन आ रहा है तो क्या होता है, ए बी सी डी, अब हमें पता है इस वाली डायगनल में हमारा टेंशन आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जितना हमारा शेयर फोर्स आ रहा होगा, मान लीजिए क्यू आ रहा है हमारा शेयर फोर्स, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्यू होगी, टेंशन की भी और कंप्रेशन की भी। अब टेंशन में हमें पता है कंक्रीट बहुत वीक होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 times हायर होती है टेंशन स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेंशन में वीक होगा तो इसमें क्रैक जनरेट होएगा, और क्रैक किस डायरेक्शन में होगा, बी डी डायरेक्शन में होगा, डायगनली होगा, डायगनली ये खींच रहा है तो डायगनली ये स्ट्रेस जनरेट होगा, तो ये इस टाइप से हमारा ब्रेक हो जाता है, सेक्शन कुछ दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगनल टेंशन, ठीक है। और डायगनल टेंशन की वजह से क्रैक कैसे जनरेट होता है, डायगनली, तो इसको हम डायगनल क्रैक बोल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है, अब इसी के बेसिस पे है पूरा हमारा शेयर डिपेंड। अब ऐसे क्रैक आ रहा है तो हमें इसको बचाना भी पड़ेगा, और इसको बचाने के लिए हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम शेयर रेनफोर्समेंट कहते हैं, उनको स्टीरअप्स की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दो टाइप से इसे प्रोवाइड करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ये सेक्शन हमारा कुछ ऐसे स्प्लिट हो रहा था, तो हम कह सकते हैं या तो हम इसमें बार्स ऐसे स्ट्रेट प्रोवाइड कर दे, तब भी ये इसको बांध के रखेगा एक यूनिट की तरह, कंपोजिट सेक्शन की तरह, और या फिर हम इसे ऐसे डायगनली प्रोवाइड कर दे, तब भी ये इस सेक्शन को स्प्लिट को रोक रहा है, तो ये दो टाइप से प्रोवाइड करते हैं, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। जब स्ट्रेटली इसे प्रोवाइड करते हैं तो हम इसे वर्टिकल स्टीरअप्स बोलते हैं, और डायगनली करते हैं तो बेंट अप बार्स बोलते हैं, और इनको बेंट अप बार्स भी अलग टर्म है, एक वर्टिकल बार्स वर्टिकल स्टीरअप्स भी इसमें डालते हैं, बट वो कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था टर्म बेसिक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टीरअप्स को हम डिटेल्स में देखते हैं।
अभी मैंने आपको बताया वर्टिकल होते हैं और सेकंड बेंट अप बार्स, ठीक है। वर्टिकल स्टीरअप्स क्या होते हैं? वर्टिकल स्टीरअप्स व्हेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड वर्टिकली, जैसे लिख सकते हैं हम व्हेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड वर्टिकली इज कॉल्ड वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, अब ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। कोई मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, ये पूरा नहीं बनाया, जस्ट दिखा दिया एग्जांपल के लिए, और हमने यहाँ पे टेंशन जोन में बार डाल रखे हैं और कंप्रेशन जोन में भी, ठीक है, मतलब हमारा डबली रेनफोर्स सेक्शन है। तो हम इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। और इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे SV से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आप क्रॉस सेक्शन देखोगे कैसा बनता है, मान लीजिए 4 बार्स है ये, इसको कैसे किया गया है, चारों को ऐसे जॉइंट करके, ठीक है, ये इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल बार्स। अब इनका डिस्टेंस है ना कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए ये कोई बीम है। अब बीम में क्या होता है ना, जो शेयर फोर्स आता है हमारा स्पॉट्स पे, ये हमारा मैक्सिमम होता है, देन सेंटर में हमारा 0 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा शेयर फोर्स 0 होता है और यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है। अब जहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे बार्स पास पास प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जहाँ पे कम होगा ऑब्वियसली वहाँ दूर दूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास पास हम प्रोवाइड करते हैं थोड़े, फिर दूर दूर करते करते ऐसे सेंटर तक पहुँच गए, एंड सिमिलरली इस साइड से भी हम पास पास प्रोवाइड करते हैं, एंड देन फिर हम दूर दूर, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग करते हैं जब, वो उस पर डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग कितना रेनफोर्स हमारा टोटल शेयर फोर्स आएगा, तो ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वर्टिकल बार्स। अब बेंट अप बार्स देखते हैं। बेंट अप बार्स कुछ अलग से बार्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो सेक्शन में हम जब टेंशन बार्स प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन बार्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी कई बार हम सेक्शन को बैलेंस करने के लिए भी एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब उन बार्स को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे इनको एंड में बैंड कर देते हैं, तो उन्हीं को बेंट अप बार्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल से देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई बीम है, और हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी थी, ठीक है। अब कुछ रेनफोर्समेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा थी, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस से हम ऐसे बेंड कर देते हैं, पहले ही बेंड करके ऐसे स्ट्रेट ले जाते हैं, सिमिलरली इधर भी बेंड करके स्ट्रेट ले जाते हैं, कुछ एंगल पे बेंड कर रहे हैं, मान लीजिए 45 डिग्री पे एंगल पे बेंड कर दिया है, ठीक है, तो ये इसी को हम बेंट अप बार्स बोल देते हैं। और कोर्ट ने हमें कह रखा है बेंट अप बार्स को सिर्फ सिंगल हम यूज़ नहीं कर सकते शेयर स्ट्रेस को रोकने के लिए, बेंट अप बार्स के साथ हमें वर्टिकल स्टीरअप्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो मैंडेटरी है, आप याद रखना, मतलब हमारे स्टीरअप्स तो होंगे ही होंगे, साथ में बेंट अप बार्स भी होंगे। इस टाइप से तो ये हमारे हो गए बेंट अप बार्स। ठीक है, तो IAS कोड ने इसके लिए बेंट अप बार्स के लिए कुछ बोल रखा है, तो वो नोट में हम लिखते हैं। टोटल मतलब टोटल शेयर एट सेक्शन
नेवर बी फुली टेकन बाय वेंटर बार्स ओनली। मतलब कहना क्या चाह रहा है, टोटल शेयर एट सेक्शन, मतलब जितना शेयर आ रहा है किसी भी सेक्शन पे, नेवर बी फुली टेकन बाय बेंटअप बार्स ओनली, वो कभी भी पूरा का पूरा बेंटअप बार्स के थ्रू नहीं लिया जाएगा। बेंटअप बार्स के थ्रू हम थोड़ा सा शेयर कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम टोटली उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, जो हमारा टोटल शेयर फोर्स आता है हमारे सेक्शन में, उसका 50% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बेंटअप बार्स को। मतलब अगर हमारा टोटल शेयर स्ट्रेस टाउ वी है, तो हमारा टाउ वी भी अगर हमारा बेंटअप के थ्रू लिया जा रहा है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 50% ऑफ टोटल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखना। तो अगर 50% से ज़्यादा आया तब भी हम कम मान के चलेंगे, इसका मेन पॉइंट ये है। ठीक है, और वर्टिकल बार्स भी कई टाइप्स के इसने बता रखे हैं, कैसे होते हैं, टू लेग्ड, फोर लेग्ड, सिक्स लेग्ड एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या बता रखा है, टू लेग क्या है, फोर लेग क्या है और सिक्स लेग क्या है, इसको डायग्राम से थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का, और यहाँ पे चार बार लगा रखे हमने, तो इस पे स्टीरअप करेंगे आप, तो स्टीरअप किस हिसाब से होगी, इसमें सिंपल है इसकी, तो इस टाइप से कर देंगे। अब इसमें कितने लैग है, आप कहोगे 1 2 3 4, बट ये सारे के सारे हम लैग की तरह काउंट नहीं करते हैं, ओनली ये वर्टिकली काउंट करते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब इसमें दो लैग है इसलिए हम इसे टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही फोर की बात करें तो मान लीजिए ये सेक्शन है और इसमें हमारे सिक्स बार्स है, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम स्टीरअप से, पहले इन दो को हम एक साथ कर लेते हैं। हमेशा याद रखना ये जो टाई करते हैं ना, हम कंप्रेशन जोन में ही करते हैं, ऐसे नहीं नीचे की तरफ कभी टाई कर रहे हैं, ऊपर ही करते हैं हमेशा इसे। ठीक है, तो एक स्टीरअप से तो इन चारों का कर दिया और एक स्टीरअप से ऐसे कर दिया, तो अब इसमें कितने लैग बन के आ रहे हैं, 1 2 3 and 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, 4 legged वर्टिकल स्टीरअप्स। एंड सिमिलरली 6 की बात करें, मान लीजिए इसमें 8 वो बार्स है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दो को हमने एक साथ कर लिया और फिर इन दो को एक साथ कर लिया, अभी भी तो ये बंद तो गए हैं लेकिन ये अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, हमें पूरी रेनफोर्समेंट को एक साथ रखना पड़ता है, तो इन दोनों को भी आपस में करना पड़ेगा इस टाइप से कुछ। तो इसमें कितने लैग्स बन रहे हैं आपके, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 and 6 लैग्स, ऐसी सिमिलरली 8 लैग्स वगैरह आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से काउंट करते हैं हम लेग्स को। इसका यूज़ आएगा जब हम एरिया ऑफ स्टीरअप्स निकालेंगे, ए एस वी कैसे निकालते हैं, टू लेग के लिए इसमें एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 and 2, तो हम एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2। ये तो हो गया नंबर ऑफ बार्स। अब बात आती है इसका डाया, मान लीजिए 5 है, तो हम एक का डाया, एक का एरिया निकाल सकते हैं, पाई बाय 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो इससे ए एस वी निकल आता है। अगर हमारा 4 लेग्ड है तो एन की वैल्यू 4 डाल देते हैं, 6 है तो ये 6 हो जाता है, और 8 लेग्ड है तो 8 आ जाता है, तो ये इसका वहाँ यूज़ होगा और क्वेश्चन में गिवन होता है वैसे मोस्टली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल स्टीरअप्स एंड बेंटअप बार्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको रब करती हूँ मैं। एक टर्म आता है इसमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना होता है सेक्शन में, तो नॉमिनल क्या होता है एक्चुअली, वो एवरेज, कोई एवरेज लेके चल लेते हैं सेक्शन में, कहीं मैक्सिमम आ रहा होता है, कहीं पे मिनिमम आ रहा होता है, तो उसका एवरेज जो हम बोल देते हैं उसे नॉमिनल कह देते हैं, जो सेफ है। ठीक है,
तो हम यहाँ लिखते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, इसको हम टाउ वी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है वो कैलकुलेट, WSM के लिए इसकी वैल्यू अलग है और LSM के लिए अलग है, वो देखते हैं हमारी इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। LSM मेथड में आपको पता है हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं और WSM में नहीं लेके चलते हैं, तो हम कह सकते हैं टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन में बी डी। अब आप कहोगे वी यू का क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ए बी डी आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया। और वी यू इज द फैक्टर्ड शेयर फोर्स, ओके फैक्टर्ड लिया है मतलब उसकी वैल्यू 1.5 से इंटू करने के बाद जो आई है, ठीक है। तो वी यू को हम कह सकते हैं फैक्टर्ड शेयर फोर्स, ठीक है। तो ये किस LSM मेथड में होता है, ये वाली नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। अब वर्किंग शेयर स्ट्रेस में इसकी क्या वैल्यू होती है, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन में बी डी, इसमें फैक्टर्ड नहीं होता, इसमें ओनली शेयर फोर्स, ठीक है। दिस इज फॉर WSM मेथड, ठीक है। तो इसमें दोनों मेथड से एक साथ ही फॉर्मूला ही चेंज है, बाकी इसमें कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं है, इसलिए एक ही साथ पढ़ाते हुए चलेंगे इसे। तो ये तो हो गया हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब डिज़ाइन स्ट्रेस हमारा कितना होता है सेक्शन में, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस इसको हम टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू दो फैक्टर्स पे हमें डिपेंड करती है, एक परसेंटेज ऑफ स्टील पे और एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। इसकी टेबल है एक, वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगी। तो इसमें आप देखोगे एक साइड हमारा AST है एंड दूसरी साइड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो उस पर बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, तो उन पर इसकी डिपेंड करती है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ सी डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये इंपॉर्टेंट था। अब बात आती है टाउ सी मैक्सिमम कितनी होती है उसकी वैल्यू, उसकी भी हमारी कॉर्ड से ही आती है वैल्यू, उसकी भी एक टेबल है, वो अभी देखते हैं। टाउसी मैक्सिमम की वैल्यू सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ही डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू LSM मेथड के लिए अलग है और WSM के लिए अलग है, दोनों की देखेंगे अभी टेबल हम। डिपेंड्स ऑन ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसकी टेबल बना देती हूँ मैं यहाँ पे। टाउ सी मैक्स पहले LSM मेथड की और देन WSM, ठीक है। तो इसकी टेबल देखते हैं, M15 से M40 तक इसकी टेबल दे रखी है। M15 में LSM मेथड की वैल्यू है 2.5 WC मैक्स की एंड M20 के लिए 2.8 एंड M25 के लिए 3.1 एंड M30 के लिए 3.5 एंड M35 के लिए 3.7 एंड 40 के लिए 4। ये तो LSM के लिए WC की मैक्स की वैल्यू हो गई। हम इसके लिए देखते हैं अब WSM के लिए 1.6 1.8 1.9
2.2, 2.3, 2.5, ठीक है। तो ये जस्ट टेबल थी, तो हमें क्वेश्चन में ग्रेड दे रखा होगा कंक्रीट का, और उसकी हेल्प से हम डब्ल्यू टाउ सी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, LSM मेथड के लिए भी और WSM मेथड के लिए भी। तो ये दो टेबल आ गई है अभी तक, डब्ल्यू टाउ सी के लिए भी और टाउ सी मैक्स के लिए भी, ठीक है। इसको रब करती हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है। डिजाइनिंग के कुछ IAS कोर्ट ने स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, उसको देखते हैं हम। वर्टिकल बार्स के लिए कुछ अलग है एंड बेंटम बार्स के लिए कुछ अलग है, तो दोनों का अलग अलग देखेंगे। पहले हम देखते हैं वर्टिकल बार्स। आपको एक चीज़ तो पता है, मान लीजिए किसी सेक्शन में टोटल शेयर फोर्स आ रहा है टाउ वी आ रहा है, टाउ वी टोटल शेयर फोर्स आ रहा है, तो हमें पता है कंक्रीट जो होती है सेक्शन में वो भी कुछ शेयर फोर्स लेती है हमारा सेक्शन का। तो जब हम बेंटअप इसके लिए स्टीरअप्स डिज़ाइन करेंगे तो वो किस शेयर फोर्स के लिए डिज़ाइन करनी है, जो टोटल होगा उसके लिए या फिर कंक्रीट का शेयर फोर्स माइनस करके उसको। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, टोटल शेयर फोर्स हमारा जितना आ रहा है सेक्शन में से, उसे में हमें कंक्रीट का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट भी कुछ शेयर फोर्स लेगा। तो जो बाकी का हमारा शेयर फोर्स बचा उसके लिए हम स्टीरअप्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो हम लिख सकते हैं, अगर टोटल शेयर फोर्स हमारा है टाउ वी, ठीक है, और जो शेयर हमारा कंक्रीट ले रहा है वो है शेयर इज टेकन बाय कंक्रीट, उसको हमने मान लिया टाउ सी है, ठीक है। अब बात आती है जो स्टीरअप्स लेंगे वो कितना शेयर होगा, शेयर टेकन बाय रेनफोर्समेंट, मतलब स्टीरअप्स की बात की गई है। तो हम कह सकते हैं टाउ वी माइनस में टाउ सी, ये तो हमारा स्ट्रेस आ गया, और फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होता है हमारा वी यू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी यू से, यहाँ लिख देती हूँ मैं, शेयर फोर्स टेकन बाय स्टीरअप्स वी यू, और वी यू क्या होगा हमारा स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने आपको बताया था बी इंटू डी होता है हमारा, तो हम यहाँ पे बी इंटू डी से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है टोटल शेयर फोर्स जिसके लिए हम स्टीरअप्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये आने के बाद इसका एक और फॉर्मूला है कुछ, उसको देखते हैं। वी यू का हमें क्या फॉर्मूला दे रखा है वर्टिकल बार के लिए, डी बाय एस वी टू इंटू में 0.87 एफ वाई ए एस वी, ठीक है। डी क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ, एस वी टू क्या है, डिस्टेंस बताया था मैंने आपको, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ये हमारा स्टीरअप्स है, इनके बीच का डिस्टेंस बोल रखा है एस वी टू, ठीक है। और एफ वाई क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है, ये हमारे स्टीरअप्स बार्स की दे रखी है, ये याद रखना, ये हमारा उसकी रेनफोर्समेंट की नहीं है, ये स्टीरअप्स बार की दे रखी है। ए एस वी क्या है, एरिया ऑफ स्टीरअप्स, ठीक है। तो ये इसके टर्म्स लिख लेना आप, ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका LSM में मेथड के लिए होता है ये, WSM के लिए भी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है।
WSM मेथड इतना यूज होता नहीं है अब तो, हम क्वेश्चंस भी करेंगे ना ज़्यादा LSM मेथड से करेंगे, एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए भी। तो VU इक्वल टू D अपॉन में SV2 इंटू टाउ SV इंटू ASV। इसमें क्या चेंज है, ये टर्म तो सेम है, ASV भी सेम ही है, टाउ SV अलग है, इसको हम बोलते हैं परमिजिबल स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट स्टिरप्स। ठीक है, तो ये हमारा था WSM मेथड के लिए। इजी फॉर्मूले हो जाएंगे आराम से याद, ये तो ठीक है, इसको रब करती हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज और थी इसमें, मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है। सब कुछ तो निकाल लिया, हमें स्पेसिंग भी पता होनी चाहिए कितने कितने डिस्टेंस पे हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसका कोड ने क्या क्राइटेरिया दे रखा है, 0.75D 300 SV1 SV2 इनमें से जो लेसर वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ डिस्टेंस बिटवीन स्टीरअप्स। ठीक है, SV2 तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया था, इक्वल टू डी अपॉन में SV2 इंटू 0.87 FY ESV। SV2 यहाँ से निकल जाएगा, SV1 अभी मैं बताऊँगी आपको कि हमें जब मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना शेयर के लिए, तो उसकी हेल्प से जो हमारा स्पेसिंग निकलती है SV2 उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल बार्स हमारा हो गया है, अब बेंट अप बार्स देखते हैं। बेंट अप बार्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टाउ VB नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला आता है, VUB से इसे डिनोट कर देते हैं, शेयर फोर्स टेकन बाय बेंट अप बार्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 0.T बाय SV2 इंटू 0.87 FY साइन अल्फा। एक बार क्रॉस चेक भी करती हूँ मैं इसे, सॉरी ये गलत हो गया, डी बाय SV ये नहीं आता, इसमें इंटू में आ जाएगा ASB। ठीक है, ASB कुछ नहीं है, वही है एरिया ऑफ स्टीरअप्स। ये बेंट अप बार्स के लिए था इसलिए हमें बी से डिनोट कर दिया। अब बात आती है साइन अल्फा क्या होता है। मान लीजिए ये बी में यहाँ हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे और ऐसे हमने बेंट कर दिया। अब कुछ एंगल पे ही तो बेंट करेंगे हम हॉरिजॉन्टल से, तो जिस एंगल पे हम इसे बेंट करते हैं उसे हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हमारा हो गया LSM मेथड के लिए फॉर्मूला। WSM के लिए क्या होता है, VUB सिग्मा SB इंटू ASB इंटू साइन अल्फा। सिग्मा SB यहाँ पे भी वही होएगा, परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टिरअप्स। किसके लिए था ये, WSM मेथड के लिए। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है दोनों मेथड में, फॉर्मूला आप देखोगे यहाँ तक पूरा सेम है। यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के, यहाँ हम सीधा परमिजिबल स्ट्रेंथ ले लेते हैं। या आपने जब सिंगल रेनफोर्स बीम पढ़ा था आपने WSM और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, तो उसमें भी ये बेसिक डिफरेंस था, अदरवाइज दोनों सेम थे हमारे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, अब बात आती है एक चीज़ और,
अब ये मैंने आपको बताया, शेयर स्ट्रेस इज टेकन बाय जितना बेंट अप बार्स होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल शेयर स्ट्रेस का। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, शेयर फोर्स रजिस्टर्ड बाय हमारा स्टीरअप्स था वो हमने डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट किया था, डब्ल्यू यू से किया था आई थिंक, हाँ डब्ल्यू यू से किया था, शेयर फोर्स रजिस्टर्ड बाय स्टीरअप्स। तो ये हमारा अगर वी यू था तो हम कह सकते हैं वी यू अपॉन में टू, मतलब हाफ कर दिया 50%, वो हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वी यू बी से। यही तो कहना चाह रहा है, शेयर फोर्स का हम ऐसे ही तो निकालते हैं, इनटू में इनटू डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, एरिया दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इस टर्म को हम ध्यान में रखते करते हैं, अगर क्वेश्चन में हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, वी यू बी की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है वी यू अपॉन टू से, तो हम क्या करते हैं वी यू बी को वी यू अपॉन टू के इक्वल लेके चलते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर तो हम देखते ही नहीं है कितनी वैल्यू आई है, जितनी भी आई हो ज़्यादा उससे वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम 50% ही लेके चलेंगे मैक्सिमम। तो ये हमारा हो गया, बाकी देखते हैं नेक्स्ट, इसको रब करती हूँ मैं। अब बात आती है सेक्शन में मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और क्यों प्रोवाइड करते हैं वो भी हम देखेंगे। मिनिमम हम पहले लिखते हैं ए एस वी अपॉन में बी एस वी वन 0.4 अपॉन में 0.87 एफ वाई मोर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले सॉरी अपोजिट साइन लगा दिया ऐसे होगा, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एस वी वन निकल जाएगा जो मैंने आपको बताया था स्पेसिंग के क्राइटेरिया में, वो एस वी वन यहीं से आया था, ठीक है। तो अब बात आती है इसका यूज़ कब करते हैं, आई एस कोड ने कुछ स्पेसिफिकेशंस बता रखे हैं, अगर जो हमारा टाउ वी ज़्यादा आता है टाउ सी मैक्स से, तो हमें क्या करना पड़िए, टाउ वी क्या है हमारा शेयर स्ट्रेस जितना हमारा सेक्शन पे आ रहा है, और टाउ सी मैक्स क्या है जो कैपेसिटी हमारे सेक्शन की झेलने की, अगर कैपेसिटी कम है और टाउ वी हमारा ज़्यादा आ रहा है मतलब शेयर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है सेक्शन में, तो हमें ऑब्वियसली रीडिज़ाइन ही करना पड़ेगा सेक्शन, क्यों उतना तो झेल ही नहीं पाएगा हमारा सेक्शन। तो हम लिख सकते हैं इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन, और अगर हमारा टाउ वी कम होता है टाउ सी मैक्स से तो हम कहेंगे सेक्शन ठीक है आगे चलो, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। अब ये तो हमने चेक कर लिया, अब टाउ वी को हम टाउ सी से भी चेक करते हैं, टाउ वी अगर सी टाउ सी से भी ज़्यादा आ जाता है, टाउ सी हमारा क्या था नॉमिनल शेयर स्ट्रेस था, नहीं यार एक मिनट, डिज़ाइन स्ट्रेस था सॉरी, दिस इज़ अ क्रिटिकल स्ट्रेस बोल सकते इसे, और डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस, मतलब इतना तो हमारे सेक्शन पे आ रहा है और क्रिटिकल से भी ज़्यादा हो गया तब भी तो हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस केस में तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इस केस में हम क्या कहते हैं शेयर रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम भी प्रोवाइड करेंगे और शेयर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अब बात आती है अगर हमारा टाउ वी कम होता है टाउ सी से तब क्या कहते हैं, तब तो इसका मतलब जितना आ रहा है हमारे सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस वो कम है और जो लेने की क्षमता है वो ज़्यादा है, तो इस केस में तो हमें कहोगे आप शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ही नहीं करनी चाहिए, बट कोर्ट ने हमें क्या कह रखा है इस केस में भी हम सिर्फ मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे जिससे हमारा फ्यूचर में कोई सडनली कुछ शेयर की वजह से फेलियर ना हो, तो हम क्या कहते हैं इस केस में ओनली मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड,
ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी इनका ध्यान रखना है डिज़ाइनिंग करते वक्त। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम कुछ डिज़ाइन के स्टेप लिख लेते हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। यहाँ लिखते हैं हम डिज़ाइन स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ही निकालना पड़ेगा कि कितना आराम है सेक्शन में, तभी हमारा आगे पूरा प्रोसीजर चलेगा। तो हम कह सकते हैं स्टेप वन इज टू डिटरमाइन नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, टाउ वी से, ठीक है। और ये कैसे निकालते थे, टाउ वी इक्वल टू वी यू अपन में बी डी फॉर दी एलएसएन मेथड के लिए। और डब्ल्यूएसएन के लिए क्या था, टाउ वी इक्वल टू वी अपन में बी डी फॉर डब्ल्यूएसएन मेथड के लिए। इसमें फैक्टर्ड आएगा, इसमें ओनली शेयर फोर्स आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। सेकेंड हम निकालेंगे टू डिटरमाइन टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स क्यों निकाला मैंने, टाउ सी क्यों नहीं निकाला, टाउ सी मैक्स इसलिए मैंने पहले निकाला क्योंकि हम इससे कंपेयर कर लेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा सेक्शन रीडिज़ाइन करना है या फिर उसी को लेके चलना है सेक्शन को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा टाउ वी ज़्यादा हो गया टाउ सी मैक्स से, इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, रीडिज़ाइंड, और हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे प्रोसीजर ही नहीं करेंगे क्योंकि रीडिज़ाइन करना है। सेकंड केस बनता है, ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, केस सेकंड। अगर हमारा टाउ वी कम होगा टाउ सी मैक्स से, देन वी विल से सेक्शन इज ओके, ठीक है। देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टू डिटरमाइन डिजाइन शेयर स्ट्रेस टाउ सी। टाउ सी कैसे निकालते थे, यहाँ पे भी टाउ मैक्स हम टेबल से निकालेंगे, जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी लिखवाई थी, और टाउ सी की टेबल मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई थी, उसकी हेल्प से हम निकाल देंगे टाउ सी। किस पे डिपेंड करता है मैंने आपको बताया था, परसेंटेज ऑफ स्टील पे एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। और ये किस पे डिपेंड करता है हमारा, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। एमसीक्यूज में ये इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस में आपको दे देंगे कई सारे। तो ये हमारा हो गया स्टेप थर्ड। इसमें भी क्या बताया था मैंने आपको, केस फर्स्ट बनेगा अगर हमारा टाउ वी ज़्यादा हुआ टाउ सी से, तो हमारा क्या था, शेयर रेनफोर्समेंट विद मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। यही तो बताया था, शेयर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करेंगे विद मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑल्सो। बात आती है केस सेकेंड की, जब हमारा टाउ वी कम होगा टाउ सी से, मतलब जो सेक्शन में हमारा शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो कम है टाउ सी से भी, क्रिटिकल से भी कम है, डिज़ाइन से भी, तब तो हमारा सेक्शन सेफ है, बट फिर भी हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये दो केस बनेंगे, इसके लिए आगे प्रोसीजर देखते हैं। इसको रब करती हूँ,
चीज़ को। अब बात आती है मिनिमम रेनफोर्समेंट की, पहले हम स्पेसिंग देख लेते हैं। चलो स्पेसिंग में मैं आपको बता दूंगी, केस फर्स्ट की बात करते हैं हम पहले। केस फर्स्ट में कैसे निकालेंगे स्पेसिंग, हम दो तरीके से मैंने आपको बताई थी। एक तो हम इस फॉर्मूले से निकालते थे, डी अपॉन में एस वी वन इंटू 0.87 एफ वाई इंटू में ए एस वी, इसकी हेल्प से हमारा एस वी वन आ जाता था, करेक्ट है ना। और सेकंड हमारा आता था मिनिमम रेनफोर्समेंट की हेल्प से, उसका फॉर्मूला था हमारा, देखना पड़ेगा, ए एस वी अपॉन में पी इंटू एस वी वन ग्रेटर दैन एन इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.87 एफ वाई। इसकी हेल्प से हमारा एस वी वन आ जाएगा, जिसमें हमारा बी क्या है, विड्थ है, विड्थ ऑफ सेक्शन। ए एस वी मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप्स, ठीक है। एफ वाई इज दी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इस हेल्प से हमारे एस वी वन आ जाएगा और एस वी टू आ जाएगा। तो हम स्पेसिंग के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया था, 0.75D 300 एस वी वन एंड एस वी टू, इनमें से जो लेसर होता है वो स्पेसिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात आती है हमें क्वेश्चन में अगर बेंट अप बार्स भी दे रखे हैं तो हमें एक और स्टेप बढ़ जाता है, इसको इरेज कर। बेंट अप बार्स होता है तो हम, मैंने बताया था उसके लिए वी यू बी निकालेंगे हम किस फॉर्मूले से, 0.87 एफ वाई ए एस वी साइन अल्फा से। अब वी यू बी निकल जाएगा, फिर हम इसको चेक करेंगे, वी यू बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन वी यू एस अपॉन में टू, ठीक है। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा, इफ़ वी यू बी इज़ ग्रेटर देन वी यू एस अपॉन में टू, देन वी यू बी इक्वल टू वी यू एस। अगर ज़्यादा होगा तो वी यू बी हम किसके इक्वल लेंगे, वी यू एस अपॉन में टू के इक्वल लेंगे, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम फिर क्या निकालेंगे, इसका भी मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, ये तो LSM मेथड के लिए था, WSM के लिए क्या होगा, वी यू बी इक्वल टू सिग्मा एस बी इंटू ए एस, इसको V से नहीं, V तो हमने उसमें भी रिप्रेजेंट कर लिया था, इसको B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए बी इंटू में साइन अल्फ़ा, ये हमारा था WSM मेथड के लिए। तो ये हमारा बेसिक सारा हो गया है टर्म्स इसमें शेयर के बारे में। नेक्स्ट हम बॉन्ड के बारे में करेंगे, देन फिर हम दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर जो भी है सब कर दीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच।